देश भर में किसान आंदोलन की आग अभी तक बुझी नहीं है। नए कृषि कानून को लेकर किसान सड़कों पर हैं और विपक्ष किसानों को केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काने में जुटा है। विपक्ष के साथ कुछ पत्रकार भी बहती गंगा में हाथ धोने में लगे हैं। इसमें वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बाद अब एक और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी शामिल हो गए हैं। इन दोनों ने किसान आंदोलन के बहाने केंद्र सरकार और मोदी पर हमला बोला है। सोशल मीडिया में आंदोलनकारी किसानों को लेकर कई तरह की बातें वायरल की जा रही हैं। पंजाबी किसानों को आतंकवादी बताने वालों के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है। ये पोस्ट वायरल हो रहा है। रवीश कुमार ने कई किसान नेताओं और संगठनों के नामों का उदाहरण देते हुए लिखा कि इन लोगों ने हर समय आतंकवाद से लोहा लिया है। कई लोग खालिस्तानियों का विरोध कर शहीद हो गए। रवीश कुमार ने लिखा है कि ये किसान यूनियन जिन्हें खालिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है, इन लोगों ने पंजाब में दहशतगर्दी से लंबी लड़ाई लड़ी है। रवीश कुमार का कहना है कि अब जिस समय पंजाब के किसानों और उनके किसान यूनियनों पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी हो गया है। रवीश कुमार ने आगे लिखा है कि 2014 के बाद से ये मान लिया गया है कि देश में जनता नहीं है, वो जनता होने के टाइम में हिंदू होती है और गोदी मीडिया से उसे हिंदू बनाया जाता है। जनता हिंदू बन जाती है, जो हिंदू नहीं बनते हैं उनके सामने किसी को मुसलमान बना दिया जाता है। जो मुसलमान होते हैं उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है। हर विरोध और सवाल को मुसलमान और पाकिस्तानी बना दिया जाता है। जनता हिंदू बन जाती है, जनता जनता नहीं रह जाती, ये बात ठीक है। जनता के एक बड़े वर्ग के आगे हिंदू होने का कनात तान दिया गया है। कनात के बाहर वो कुछ भी होने का दृश्य नहीं देखना चाहती है, अपने कनात में खुश रहना चाहती है। वो हर किसी को इसी चश्मे से देखने लगी है। इसके अलावा भी रवीश कुमार ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। दरअसल रवीश कुमार इससे पहले भी कई बार मोदी विरोधी पोस्ट लिखते रहते हैं। इतना ही नहीं, अपने प्राइम टाइम शो में भी वो लगातार केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं। हालांकि किसान आंदोलन में रवीश कुमार कूद कर एक बार फिर केंद्र और मोदी सरकार से दुश्मनी मोल ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।